आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ने से पहले आप जो गलती करते हो वो क्या है, और वो गलती कभी मत करना। अगर आपको पढ़कर कुछ बनना है ना, तो इस वीडियो को किसी भी हाल में मिस मत करना। एक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है और सोच रहा है कि मुझे पढ़ना है, और वो इस वीडियो के खत्म होने के बाद पढ़ेगा, लेकिन 5 ऐसी गलतियां जो करने वाला है और इसकी वजह से वो 5 मिनट भी नहीं पढ़ पाएगा। पहली गलती, अपने मोबाइल फोन को अपने आंखों के सामने रखना। जब भी पढ़ने के लिए बैठते हो ना, तो फोन को हमेशा अपने आंखों के सामने रखते हो। यह तुम्हारी पहली गलती। दूसरी गलती, बहुत लेट पढ़ने के लिए बैठना। जैसे आपने प्लानिंग करी कि आपको सुबह पढ़ना है, लेकिन कितना बजे यह पता नहीं। यह है आपकी दूसरी गलती। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सुबह के 5-6 बजे से पढ़ने के बजाय वो 9-10 बजे पढ़ने बैठते हैं। तीसरी गलती, पेट भर के खा लेना उसके बाद पढ़ने के लिए बैठना। एक रिसर्च से पता चला है कि खाने के तुरंत बाद पढ़ने से बेहतर है खाली पेट में पढ़ना। ज्यादा पढ़ पाओगे और ज्यादा फोकस कर पाओगे। और चौथी गलती, जो हर कोई के साथ होता है, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाता। सामने किताबें हैं, लेकिन दिमाग मार्केट में, दोस्तों में, गर्लफ्रेंड में, व्हाट्सएप में, इस दुनिया में किसी भी काम को अंजाम देने के लिए अपनी फोकस को तगड़ा बनाना पड़ता है। तो फोकस हमेशा वहां जहां तुम हो। और पांचवी गलती, एक कमरा जिसमें तुम्हारा अकेला ना रहना, कोई आसपास नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको डिस्टर्ब हो। जब भी मैं पढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए बैठता हूं ना, तो मैं हमेशा अकेला होता हूं। तो ये है आपकी 5 गलतियां जो आपको कभी पढ़ने नहीं देगी। कहते हो ना कि सर मैं बहुत कोशिश करता हूं पढ़ने की, लेकिन नहीं पढ़ पाता। तो यही वजह है आपकी ना पढ़ने की। तो आज से और अभी से ही वादा करो कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठोगे, तो आप अकेले होगे। ना आपके पास मोबाइल फोन होगा, ना कोई फैमिली मेंबर होगा, और ना ही सुबह के 10 बजे पढ़ोगे। जब एक बार कमिटमेंट कर लो ना कि मुझे सुबह को पढ़ना है, तो सुबह के 5 बजे से पढ़ना है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये 5 गलतियां पढ़ने से पहले कभी नहीं करोगे। तो जाओ और पढ़कर रच दो इतिहास। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर लगी हो बात दिल में तो ठोको लाइक, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो हिट करो सब्सक्राइब बटन पर, और ऐसे वीडियोस हमेशा देखते रहो। थैंक्स। जय हिंद।